मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सागर में जन आभार यात्रा निकाली। सीएम के रथ पर फूलों की बारिश हुई, जिसके बाद सीएम ने सागर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। वहीं सीएम मोहन यादव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि उद्योगों की प्रगति में ही मध्य प्रदेश की समृद्धि निहित है। हम सबको मध्य प्रदेश को देश नंबर वन राज्य बनाना है। अब उज्जैन में भी उद्योग लगाए, उज्जैन कॉटन इंडस्ट्री पुराने समय से चलती आई है, इसलिए उसका स्कोप भी है। और भी आप अलग अलग क्षेत्र में जहां जो काम करना चाहें, सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है, उद्योगों का है। और उद्योगों से समृद्धि आती है दोनों तरफ से, हमारे प्रदेश भी समृद्ध होता है, जिनके काम की जरूरत है उनके हाथ में काम मिलता है, और इसी के अलावा हमारे अपने देश की दुनिया में पहचान बनती है। हजारों साल से भारत की पहचान एक अलग प्रकार से रही थी, काल के प्रवाह में हमारे यहाँ बहुत सारी विसंगतियां हुई, कई आक्रांता है, और आक्रांताओं ने हमारे अपने देश को लूटा खसोटा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं से दुर्व्यवस्था बदल दिया। उसमें हमारे स्वाभिमान को, हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, सबको नष्ट भ्रष्ट करने के प्रयास में लगे रहे, लेकिन परमात्मा की कृपा है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कोई बात है अपने देश के लिए परमात्मा की विशेष। दुनिया में कई आए और कई गए, हमारी संस्कृति को कोई मिटा नहीं सकता है, हमको कोई झुका नहीं सकता है। हर दौर में, हर काल में, हर परिस्थिति में भारत के ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हम अपने अपने वो गौरवशाली पक्ष, जिनके कारण से भारत में भारत की न केवल आंतरिक शक्ति बल्कि भारत की अंदर की एकात्म मानव की जो दृष्टि है, वो दुनिया आज भी उसको अलग रूप में देखती है। आप उज्जैन में भी उद्योग लगाए, उज्जैन कॉटन इंडस्ट्री पुराने समय से चलती आई है, इसलिए उसका स्कोप भी है। और भी आप अलग अलग क्षेत्र में जहाँ जो काम करना चाहें, सरकार लगातार उद्योगपतियों के साथ खड़े होकर के हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान रोजगार परक व्यवस्थाओं का है।